सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको डियर मनी और चीप मनी का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। देखिए, हमारे कंट्री का, हमारे मुल्क का एक बैंक होता है जिसको हम गवर्नमेंट बैंक कहते हैं, जो दूसरे छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। जितना भी हमारा पैसा है वो उसके अंदर होता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो ये डियर मनी और चीप मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेंट्रल बैंक ने क्रिएट किया है। ये एक पॉलिसी है। इसके अंदर क्या होता है, ये पॉलिसी को अप्लाई करके जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारे कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ मनी है, उसको कंट्रोल करता है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है जो हमारे लोगों के अंदर पैसा सर्कुलेट हो रहा है, क्वाइंस की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में, डिमांड डिपॉजिट की शक्ल में, ये जितना भी पैसा हम लोगों के दरमियान में है, जो घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो सेंट्रल बैंक ये दोनों कॉन्सेप्ट के जरिए से सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ जाए, अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाए, तो वो इन कॉन्सेप्ट के जरिए से पैसे को कम करता है, लाइक डियर मनी का कॉन्सेप्ट लगाता है। डियर मनी में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ज्यादा मिलता है। आपको सेविंग अकाउंट में आगे 10% मिल रहा है, तो जब सेंट्रल बैंक डियर मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा, पॉलिसी अप्लाई करेगा, तो आपको सेविंग अकाउंट में 10% नहीं, 20% इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब मुनाफा। आपने 1,00,000 रुपए जमा करवाया तो आपको उसके ऊपर 20% मुनाफा मिलेगा, डबल हो जाएगा। तो डियर मनी के कॉन्सेप्ट से ये बेनिफिट होता है कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ये नुकसान है। मूल के अंदर इसका नुकसान क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो गया, तो लोग ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, लोग ज्यादा चीजों को कंज्यूम करने लग पड़ेंगे। जिधर लोग दो रोटियां खा रहे हैं, कहेंगे 5 खाएंगे, जिधर दो गाड़ियां रख रहे हैं, कहेंगे 10 गाड़ियां रखेंगे, डिमांड ज्यादा कर देंगे। डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड लोगों की ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाएगी। लाइक 5 रुपए वाला बिस्किट 10 का हो जाएगा, जो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो डियर मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, जिससे जो लोग हैं देखते हैं कि सेविंग अकाउंट पे इतना पैसा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बॉन्ड वगैरह इशू करेगा हाई रेट इंटरेस्ट पे, लोग बॉन्ड खरीदेंगे, और जो लोन वगैरह उसके ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा देगा कि कोई बैंक से लोन भी नहीं लेगा, जिसके पास लोगों के पास पैसा कम जाएगा और बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा सेविंग अकाउंट की शक्ल में और बॉन्ड की शक्ल में, बॉन्ड खरीदेंगे लोग इंटरेस्ट ज्यादा लालच की वजह से। तो ये डियर मनी का कॉन्सेप्ट होता है। आगे नेक्स्ट चीप मनी आ जाता है। चीप मनी में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना आपको सेविंग अकाउंट पे, लोन पे, वो बहुत कम कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। डियर मनी में ज्यादा कर दिया जाता है, नॉर्मली 10% से अब नॉर्मल कर दिया जाता है 20%। चीप मनी में क्या होता है कि नॉर्मल से भी हम इंटरेस्ट जो है हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कम कर देता है। अभी ये क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, जब लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए, पैसा जो है लोगों के दरमियान सर्कुलेट जो हो रहा है वो बहुत कम हो जाए, तो गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का काम है कि लोगों को पैसा देना। अभी वो पैसा बांटेगा तो नहीं, किसी शक्ल में देगा, लाइक लोन की शक्ल में देगा, लोन देगा लोगों को कम इंटरेस्ट पे। जब इंटरेस्ट रेट जो उसके ऊपर लोगों ने देना है, लाइक 1,00,000 रुपए का लोन ले रहे हैं लोग, तो इंटरेस्ट रेट पहले 10% था, मतलब साल बाद 1,00,000 भी देना और बैंक को 10,000 ऊपर अजाफी देना है, जो 10% इंटरेस्ट है। तो जब चीप मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है सेंट्रल बैंक, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है लोन पे, 2% 3% कर देगा, और जो सेविंग अकाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। तो जब सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग सारे अपने बैंक से पैसे निकलवा लेंगे और अपने पास रखेंगे, जिसके वजह से लोगों के पास पैसा आ जाएगा और पैसा सर्कुलेट में होगा, बैंक से पैसा निकल के लोगों के पास आ गया, तो सप्लाई ऑफ मनी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह लोन पे जब इंटरेस्ट कम होगा, फिर लोन लोग जो है बैंक से लोन ज्यादा लेंगे, फिर लोगों के पास पैसा आ जाएगा। तो ये चीप मनी का कंसेप्ट है, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है सेविंग अकाउंट में, लोन पे। तो आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।